आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्विज वन के आंसर। क्विज के आंसर बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर पर फॉर्म आउट कर रही हूँ मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इतफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शन अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सबके आंसर आपको बताती हूँ। बट उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस क्विज को 22 जुलाई के दिन जो है वो अटेम्प्ट आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी इसकी वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि वो आपके अपने बैच की ही वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच फ्री मेथड टूल इज बेस्ट फॉर कीवर्ड रिसर्च। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, अदरवाइज कीवर्ड एवरीवेयर इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिकॉज दिस इज द नाइस एक्सटेंशन जो कि हम यूज करते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं, इसने मेथड और टूल पूछा है। तो ठीक है, अगर मेथड और टूल देखें तो हम यहाँ पे एचरेफ भी यूज कर सकते हैं, सैमरेज भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों टूल्स में से देखा जाए तो एचरेफ का ऑप्शन मुझे चूज करना चाहिए जो कि करेक्ट रहेगा क्योंकि इसने टूल की बात की थी। ठीक है, इसने एक्सटेंशन की बात की होती तो मैं गूगल कीवर्ड जो है क्या कहते हैं उसको चूज आउट कर लेती, कीवर्ड एवरीवेयर को। अदरवाइज इसने टूल की बात की है तो एचरेफ का टूल जो है वो हम यूज कर सकते हैं और हम सैमरेज का टूल भी यूज कर सकते हैं। अब एचरेफ या सैमरेज में से एक आंसर कोई सा करेक्ट होगा, लेकिन अगर दोनों की पॉपुलैरिटी देखी जाए तो ज्यादातर लोग एचरेफ का यूज करते हैं, तो मैं एचरेफ के साथ यहाँ पर जाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है, गूगल ट्रेंड्स मॉज एंड एचरेफ आर निच रिसर्च टूल, एफिलिएट मार्केटिंग चैनल, वेबसाइट क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म और द एफिलिएट एजेंट। तो यहाँ पर ये जो सारे के सारे टूल्स हैं ये क्या है, निच रिसर्च टूल्स हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, कैटेगरी रिसर्च टूल कहलाता है। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। व्हाट इज अ ब्लॉग, वीडियो ब्लॉगिंग, वीडियो कॉमेंट, ऑडियो ब्लॉग और वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वीडियो ब्लॉग्स आपकी जो है वो ब्लॉगिंग कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ मार्केटिंग अरेंजमेंट बाय विच एन ऑनलाइन रिटेलर पे कमीशन टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट और फॉर ट्रैफिक और सेल फ्रॉम इस रैफल इज नोन एज एफिलिएट मार्केटिंग, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। और इसके साथ इसने क्या कहा था, ऑनलाइन रिटेलर पे कमीशन, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करेक्ट आउट हो सकता है। तो दोनों में से आपको जो सही लगे आप वो चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एडवर्टाइज एफिलिएट मार्केटिंग को चूज करूंगी, लेकिन अगर आप एडवर्टाइजिंग के प्रस्पेक्टिव से देखें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप चूज कर सकते हैं। डोमेन इज अ मेट्रिक ऑफ मोज, याहू, बैंक और गूगल। तो मोज जो है वो आपको बताता है डोमेन अथॉरिटी, तो मोज इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे के क्वेश्चंस के आंसर बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलम की TSTP 2.0/08 को ज्वाइन आउट नहीं किया तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन आउट कर लीजिए। जिस स्किल से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आपको इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड आउट करती हूँ। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, बाकी के क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं, अपने क्वेश्चन को कम्प्लीट करते हैं। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, एफिलिएट गेट पेड थ्रू द डैश ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज दे आर प्रमोटिंग, कॉस्ट, इनकम, कमीशन और रेवेन्यू। रेवेन्यू इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, कमीशन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एफिलिएट जो होते हैं वो किस चीज के थ्रू जो है वो पेड किए जाते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसिंग को प्रमोट करने के लिए, तो वो उनकी कमीशन के थ्रू जो है कि कहते हैं यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं, तो मैं कमीशन चूज करती हूँ। हो सकता है कि रेवेन्यू इसका करेक्ट आंसर हो जो कि मुझे लगता भी है। देन कहते हैं सेवन क्वेश्चन में, डैश इज एन इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर ऑफ एवरी बिजनेस अंडरगो बिफोर बीइंग लिस्टेड ऑन द मार्केट प्लेस, बिडिंग, सेलिंग, परचेजिंग, वेंटिंग। ऐसा कौन सा आपके पास इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम हर बिजनेस को अंडरगोस करते हैं बिफोर इट लिस्टिंग ऑन द मार्केट प्लेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए इन सारे ऑप्शन में से वेंटिंग, तो मैं वेंटिंग को चूज आउट करूंगी एंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगी जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग, यूट्यूब वीडियो, पेपर क्लिक एंड ऑल ऑफ द गिवन, इसका करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जनरली डैश आर डिफिकल्ट टू रैंक, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, इनफॉर्मल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड और द नेविगेशनल कीवर्ड्स। अच्छा, इनफॉर्मल और नेविगेशनल कुछ नहीं होता तो शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल में चूज कर सकते हैं, तो शॉर्ट टेल जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड भी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट, शेयरिंग यूट्यूब लिंक, एडिंग यूट्यूब वीडियोस और रिव्यूइंग प्रोडक्ट थ्रू द वीडियो। तो इसने कहा है कि यूट्यूब एफिलिएटिंग मार्केटिंग बताएं। तो यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, हमारे पास रिव्यूइंग प्रोडक्ट थ्रू द वीडियो।
मैंने 9 मार्क्स सिक्योर किए हैं इसके अंदर, तो ठीक है, रेवेन्यू की जगह जो है कमीशन की जगह रेवेन्यू करेक्ट ऑप्शन था, तो आप जो है वो उसको चूज आउट कर सकते हैं यहाँ पर। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो और एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई और कोर्स है, तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सोल्यूशन भी अपलोड आउट करूंगी अपने चैनल पर, तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार कोर्स कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के साथ फ्रीलांसिंग का, तो उसका क्विज वन भी अपलोड कर दिए, तो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।